जालौन के कोंच में दो अज्ञात बाइक सवार युवकों ने 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने शातिराना तरीके से पहले जबरन व्यक्ति से पहचान निकाली, मदद का भरोसा दिया, बाद में वह अपने साथ बाइक पर लेकर चल दिए और अपना काम कर दिया। मामला जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित को दो युवकों ने पहले अपनी बाइक में बीच में बिठाला और बाद में पीछे बैठे युवक ने 50 वर्षीय व्यक्ति की जेब से लगभग 40,000 रुपये पार कर दिए। अज्ञात बाइक सवार बाद में व्यक्ति को बाइक से उतार कर भाग निकले। ठगे हुए पीड़ित ने पुलिस की शरण में जाते हुए आपबीती सुनाई, इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? साजिद अली हनुआ गफूर अली लाहौर से आए हैं। अच्छा अच्छा क्या घटना घटी आपके साथ? यहाँ पे थोड़े आगे को कोई हम तो जानते नहीं चौरा, तो वहाँ पे मतलब दो लड़कों ने हमसे नमस्कार, चचा नमस्कार, हम पप्पू कुशवा के लड़के, उन्होंने मतलब हमें मोटरसाइकिल पे बैठा ला। हम उनसे कहने लगे हम तो जानते नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम कहीं हम नहीं तो रहते, और बस उन्होंने इस मोड़ पे हमें उतारा और वहाँ पे उन्होंने जेब कट मार दी हमारे। कितने रुपए रखे थे आपकी जेब में? उसमें 39,500 रुपये। क्या लोग थे वे लोग? दो। किस चीज़ से थे? मोटरसाइकिल से। अच्छा, किस चौराहे का मामला है, कहाँ? ये हम नाम नहीं ले पाएंगे, यहाँ से थोड़ी सी दूर है कट पे, एक होटल के सामने हम देख रहे थे, तो उस होटल के सामने हम चाह रहे थे कि कुछ खा लें, तब तक उन्होंने देखा कि कोई ये VIP खड़ा है, तो उन्होंने नमस्कार करके और कही चाचा हम तो तुम्हें जाना थे, हम उनके मोड़ा हैं जे, तो इस तरीके से उन्होंने हमें मोटरसाइकिल पे हमें बिठा लिया, तो आप बैठो हम छोड़ दें, हमने जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।